ये टप्पू ने टिकट बुक कर दी कि नहीं? अरे टप्पू। हाँ पापा। टिकट बुक हो गई? हाँ पापा हो गई। ये तो तूने मुझे बताया नहीं। मतलब? अरे मतलब तूने टिकट बुक कर दी, मुझे बताना चाहिए था ना बेटा। क्या कि टिकट बुक हो गई? हाँ। अरे पापा आपको तो पता है ना, टप्पू जो काम हाथ में लेता है वो पूरा करके रहता है। अरे वो बराबर है बेटा, लेकिन तूने टिकट बुक कर दी ये बताने में तेरा घरा थोड़ी लूट जाने वाला था। से? क्या है? क्यों खामा का टप्पू पे चिल्ला रहा है? अरे खामा का नहीं चिल्ला रहा हूँ बापू जी, टप्पू ने टिकट बुक कर दी तो मुझे बताया भी नहीं। तो तूने उसे बोला था क्या कि टिकट बुक होते ही मुझे बताना? बोला था? नहीं ना, तो अभी क्यों कंप्लेन कर रहा है? हाँ, और दादाजी टिकट बुक होते ही मैंने तुरंत पापा के मोबाइल में टिकट सेंड कर दी थी। हाँ पापा, लगता है आपने मोबाइल चेक नहीं किया है ना? हाँ। जाने की और आने की दोनों है ना? हाँ, जाने की दो और आने की तीन। और पापा यहाँ से अहमदाबाद जाने की फ्लाइट टर्मिनल 2 से है, 6:45 की फ्लाइट है, तो आपको 4:45 तक एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा। 2 घंटे पहले? हाँ पापा, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारी फ्लाइट्स होती है जिसकी वजह से एयरपोर्ट पे बहुत रश होता है। हाँ नहीं बराबर है, मैं तो कहता हूँ 4:45 क्या जेठिया, तू 3:30 ही पहुँच जाना है, मैं तुझे 2:30 उठा दूंगा। 2:30? हाँ। तो मतलब मैं सोऊं क्या? नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ जा, जाके जल्दी सो जा, जितनी नींद मिले उतनी ले 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 ले। चल चुभ रहते, चल डब। हाँ गुड नाइट पापा। हाँ गुड नाइट। चलो मेहता साहब को भी थोड़ा शौक दे दूं कि आधी रात को 3:30 एयरपोर्ट पहुंचना है। हाँ बोलो जेठालाल, कैसे फोन किया? प्लान चेंज? कल हम अहमदाबाद नहीं जा रहे? अरे नहीं नहीं जा रहा है भाई, रिटर्न टिकट भी बुक हो गई है। ओ अच्छा। हाँ मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन किया कि हमारी जो सुबह 6:45 की फ्लाइट है ना, वो टूटी से है। टूटी? T2 होता है, टर्मिनल 2। हाँ सॉरी, वो T2 से है। तो टप्पू कह रहा था कि सुबह सुबह उस टाइम पे ना बहुत सारी फ्लाइट होती है, तो एयरपोर्ट में बहुत गिरती होती है, तो हमें 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, तो लेट में लेट 4:45 हमें एयरपोर्ट पहुंच जाना पड़ेगा। हाँ तो आप 3:00 तक रेडी हो जाएंगे ना? मैं तो रेडी हो जाऊंगा, तुम रेडी हो जाओगे? हाँ मैं भी हो जाऊंगा, क्योंकि बापू जी ने मुझे बोला वो 2:30 मुझे जगा देंगे। ठीक है चलो गुड नाइट। अच्छा मेहता साहब। हाँ बोलो। मैं क्या कह रहा था, सुबह सुबह इतनी जल्दी हमें टैक्सी रिक्शा कुछ मिलेगा नहीं, तो आप मोबाइल से वो लोला टैक्सी जरा बुक कर देंगे? हाँ ठीक है ठीक है, वो मैं बुक कर दूंगा। चलो गुड नाइट। ओके ओके गुड नाइट। अरे क्या तू अभी तक सोया नहीं? नहीं मैं सोना ही जा रहा था, मैं जरा वो मेहता साहब को फोन करके बता रहा था कि 3:30 तक एयरपोर्ट पहुंचना है, तो 3:00 तक रेडी हो जाना। अच्छा ठीक। आप नहीं सोए अभी तक? मैं पानी लेने आया। मैं लेके आता हूँ। अरे तू सो जा भाई, मैं ले लूंगा। तू जा जा जा, सो जा सो जा सो जा 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 भाई। शुभ रात्रि। अरे शुभ रात्रि, तू जा भाई। तारक क्या बात है, टेंशन में क्यों लग रहे? जब से जेठालाल ने अहमदाबाद जाने की बात कही है ना, तब से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सा क्यों लग रहा है? पता नहीं, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। कैसी गड़बड़? देखो अब तक सुंदर का ना ही कोई फोन आया है और ना ही मैसेज, और ना ही जेठालाल का सुंदर से कोई कांटेक्ट हुआ, इसलिए तो आप लोग अहमदाबाद जा रहे हैं। हाँ आंटी पता है मुझे, मान लो कि मैं और जेठालाल अहमदाबाद पहुंचे और सुंदर दया भाभी को लेकर यहाँ आ गया, तो ये तो अच्छी बात है ना, आप लोग रिटर्न फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाना, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? अंजलि कल दिवाली है, मेरा पूरा दिन बिगड़ जाएगा, कल हम साथ में वक्त बिताने वाले थे, तुम्हारे लिए शॉपिंग करने वाले थे। इट्स ओके तारक, ये सोचिए कि दया भाभी आ रही है, सकारात्मक सोचिए। अंजलि जेठालाल की कुंडली ही ऐसी कि मैं सकारात्मक सोच ही नहीं पा रहा, बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि इस दिवाली पर पटाखों की बजाय मुसीबतों की बिजली ना कड़के। तारक सब अच्छा ही होगा, अब चलिए आपकी बैग भी तो पैक करनी है, चलिए उठिए। चलो
अहमदाबाद जाने की छोटी सी पैकिंग भी हो गई। बापूजी ये बैग देख के जरूर कहेंगे, अरे सुबह जाके शाम को वापस आने में बैग क्या लेके जा रहे है। अभी उनको कैसे समझाऊं, ऐसे खाली हाथ हिलाते हिलाते कोई बरगम जाता है भला, लगता ही नहीं कि अब बरगम जा रहे। हे जीरे, कल इस वक्त दया यहाँ घर में होगी और हम दोनों मिलके गा रहे होंगे। दिवाली ना दिवस मा घर घर दीवा थाय, फटाकड़ा फट फट फूटे ने चारे कोर फंटाय। दिवाली ना दिवस मा घर घर दीवा थाय। तारक, तारक, पुलिस के सायरन की आवाज सोसाइटी कंपाउंड से आ रही है। हंस, एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, उठो। माधवी, माधवी सायरन बज रहा है। तीन सिटी होने के बाद बंद कर देना कुकर। अरे ये कुकर नहीं बज रहा है, सायरन बज रहा है, सायरन। और आवाज अपने कंपाउंड से आ रही है। अरे बाप रे, लगता है इस बार गोकुल धाम वासियों को अपने दिवाली की शुरुआत पुलिस के स्वागत के साथ करनी पड़ेगी। शुभ शुभ बोलिए, चलिए देखते हैं। उठिए कोमल, ये एम्बुलेंस की नहीं पुलिस सायरन की आवाज है। पुलिस, हमारे गोकुल धाम में पुलिस, क्या हुआ? चलो उठो। तो पुलिस के सायरन की आवाज आओ। गुड मॉर्निंग, मैं वही बोल रहा था। चलो जाके देखते हैं। चलो चलो चलो। गोकुल धाम सोसाइटी में पुलिस के सायरन की आवाज। वाहेगुरु सुख रखे। अगर उठो, पुलिस के सायरन की आवाज है ना। अरे हाँ, चलो चल के देखते हैं। पुलिस की सायरन, सायरन बंद करो। सर बटन खराब हो गया है। अच्छा, तो पाटिल आप लोगों को अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? नहीं सर। हाँ, दिवाली अंदर ही बैठकर मनाओगे? मोबाइल किधर है? किधर है मेरा मोबाइल? तो घर पे तो नहीं भूल गया? नहीं सर, यही बज रहा है सर। किधर है? कोमल, कोमल, मोबाइल किधर है यार? सर वो नीचे रहा। बात सुन दी कफू? ये ड्यूटी हमें चैन से बैठने नहीं देती और हमारी ब्यूटी बासुंदी हमें चैन से जीने नहीं देती। दिवाली बिगड़ी हुई है, अगर बासुंदी का फोन नहीं उठाया तो दिवाली और बिगड़ जाएगी। हाँ बासुंदी, मैं घर ही आ रहा था बासुंदी, ये केस आ गया इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ, बहुत परेशान हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ बासुंदी, उस अपराधी से परेशान हूँ जिसकी वजह से हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की दिवाली बिगड़ गई है। सोसाइटी में इस वक्त पुलिस, उनकी स्यापा पे है। वाहो, लगती कुछ गड़बड़ हुई है। आई एम श्योर ये जय डॉलर की वजह से आया होगा। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है बबीता? आज तक 90% ऑफ द टाइम पुलिस जय डॉलर की वजह से आया। लड्डू आया? लड्डू? ओहो, आई विल मिस लड्डू। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा, उसे को हाथ पैर धोकर बैठे तैयार होकर मैं उसी के साथ दिवाली मनाऊंगा बासुंदी। हंस, पांडे जी इस वक्त क्यों आ गए? मुझे क्या पता,
चलो देखते हैं। बासुंदी ये केस सॉल्व हो जाने दो, फिर हम तीनों मिलकर अच्छे से पटाखा फोड़ेंगे, मिठाई खाएंगे। अरे सुनो सुनो बासुंदी, अरे प्लीज अभी दे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। पांडे जी, आप हम गोकुलधाम वासियों को खास हैप्पी दिवाली बोलने के लिए आए? वाह 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 पांडे जी, मानना पड़ेगा मुंबई पुलिस की इस नई प्रथा को। आप शहर की हर सोसाइटी में जा जाकर पर्सनली लोगों को हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं। इससे जनता में दिवाली मनाने का उत्साह और बढ़ेगा। सही बात है। कुपटलाल, हम यहाँ दिवाली विश करने नहीं आए, एक अपराधी को पकड़ने आया हूँ। अपराधी? 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 अरे एक मिनट, अरे दिवाली के दिन इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, दिवाली के पटाखों से शोर तुम लोगों का ज्यादा है। अपराधी तुम लोगों के सोसाइटी में ही है। हमारे सोसाइटी में? क्या? ओ अच्छा, मतलब बाहर का कोई अपराधी आकर हमारी सोसाइटी में छुपा है? पांडे जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपकी मदद करेगी। आप क्लबहाउस में ढूंढिए, हम लोग टेरेस पे ढूंढते। चलो। मास्टर जी, क्या टेरेस पे ढूंढते? कोई भी केस आता है सॉल्व करने निकल पड़ते हो। अपराधी तुम लोगों की सोसाइटी का ही है। वही तो यहाँ मौजूद नहीं है। कौन? जेठा लाल चंपक लाल गड़ा। गड़ा गड़ा गड़ा। क्या जेठा लाल? यस। क्या बात करें पंडित जी आप? अरे कि जेठा भाई को अपराधी क्यों कह रहे हैं? लगता है जेठालाल के भाग्य में कोई नई मुसीबत आ बैठी है। जेठा भाई अपराधी? जेठा भाई ने ऐसा क्या किया होगा? पता नहीं। रविदा, मैंने तुमको कहा था ना कि पुलिस जेठालाल की वजह से आया होगा। पांडे जी एग्जैक्टली हुआ क्या है? मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं अपराधी को पकड़ने आया हूँ। ये बताओ जेठालाल कहाँ रहता है? ये ऊपर, यहाँ पर ऊपर। थैंक यू, कम ऑन लेट्स मूव 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 क्विक क्विक। अरे कहाँ सब पीछे चल दिए? क्या दिवाली की पार्टी है ऊपर? कोई ऊपर नहीं आएगा। पांडे जी, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे तो आने दीजिए। क्या है, सेक्रेटरी होने के नाते मेरा जाना जरूरी है ना कि मैटर क्या है? बराबर बराबर। चलो ओके, आ सकते हो। पांडे जी, मैं जेठालाल का परम मित्र हूँ, मुझे आने दीजिए प्लीज। ठीक है, आप भी आओ। जी पांडे जी, मैं पत्रकार हूँ तो। तब तो तुम बिल्कुल नहीं आ सकते। क्यों? आई डोंट प्रिफर मीडिया कवरेज। आपको प्रेस नोट भेज दी जाएगी। ओके कम ऑन क्विक क्विक क्विक। ए पाटिल, तुम भी ऊपर मत आना प्लीज। लेकिन सर मैं क्यों नहीं, मैं तो पुलिस में हूँ। हाँ जानता हूँ जानता हूँ, इन लोगों को संभालो, ये गोकुलधाम वासी है, एकता दिखाने ऊपर पहुंच जाएंगे। आइए चलो कम ऑन क्विक। परम जेठालाल दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? सो रहा होगा ना। जेठालाल हमें कीहोल से देखकर छिप तो नहीं गया? हाँ सर, ऐसा हो सकता है।
नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? जेठालाल गहरी नींद में सो रहा होगा ना। फिर ट्राई करता हूँ। चल चल दे आगे अहमदाबाद, तुझे वापस मुंबई ले जाने। चल जल्दी जल्दी चल, सुंदर आ जाएगा ढाबे, हेलीकॉप्टर तैयार है, चल जल्दी चल। इतनी गहरी नींद में सो रहा है ये? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई है ही नहीं? हो सकता है हमारे आने की खबर उनको मिल गई हो और वो फैमिली को लेकर के भाग गया हो। पिता की गए? नहीं नहीं अभी रात को तो मिला था और फोन पे बात भी हुई थी। ओके इस वक्त कौन आया होगा? टप्पू, ए टप्पू, दिवाली की रात हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेठा भाई ने ऐसा क्या किया होगा कि आधी रात को पुलिस को यहाँ आना पड़ा? वो पटला ऊपर जाने नहीं मिलेगा। नहीं 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 ऊपर नहीं जा रहा हूं। हैप्पी दिवाली। वो अभी साहब ने विश किया था ना, वो हम सब की तरफ से था। हाँ बरोबर है, पर क्या है वो पर्सनली नहीं केले होते ना आपल्याला म्हणून हैप्पी दिवाली। ओहो मराठी येते थोड़ा थोड़ा चांगले। नक्की काय झालं होतं? पुलिस कशाला आली आहे? सांगतो तिकडे जाऊन उभा राहा। मराठी येते ना? थोडा थोडा। मेरा धैर्य टूट रहा है, मेरा धैर्य टूट रहा है। इससे पहले कि मेरा धैर्य टूटे जेठा लाल का दरवाजा टूटना चाहिए, पर अब दरवाजा तोड़े। अरे नहीं नहीं नहीं, दो मिनट रुकते हैं ना, मैं ट्राई करूं। ओके आ रहा हूँ भाई। बजाओ बजाओ गोली मिल रहे हैं। अरे मैं तू आधी रात को एक शरारती बच्चे की तरह डोरबेल क्या बजाया जा रहा है? पुलिस? इतनी रात को पुलिस यहाँ क्यों है? इनको तू लेकर आया है? अबे तू लेकर आया है? नहीं ये हमें लेके आया है। पांडे जी इतनी रात को आप यहाँ क्यों आए? जेठालाल है घर पर। क्यों जेठिया का क्या काम है? टीवी खरीदना है। टीवी? लेकिन हम लोग घर में टीवी नहीं रखते। टीवी खरीदना है तो आपको कल सुबह दुकान जाना पड़ेगा, वहाँ आपको जो मॉडल का टीवी चाहिए वो मिल जाएगा। चल चलो चाचा जी। ओ ये कटाक्ष कर रहे हैं। पांडे जी इतनी रात को आप यहाँ कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं तो हम आपके लाडले बेटे को गिरफ्तार करने आए। क्यों? टीवी खरीदना है। हम लोग घर में टीवी नहीं रखते। टीवी खरीदना है तो आपको कल सुबह दुकान जाना पड़ेगा, वहाँ आपको जो मॉडल का टीवी चाहिए वो मिल जाएगा। चाचा जी ये कटाक्ष कर रहे हैं। हम आपके लाडले बेटे को गिरफ्तार करने आए।
अरे कम ऑन लेट्स गो कम ऑन गो क्या किया ये अरे भाई समझ अरे पांडे जी अरे पांडे जी अभी आपका क्या है? देखिए बताइए ना कि चिट्ठा भाई ने क्या किया है। यहाँ सबकी एंजाइटी बढ़ रही है। अभी पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा। देखिए आज दिवाली की रात है, खुशियाँ मनाने के बजाय हम सब यहाँ पे ऐसे टेंशन में खड़े हैं। और नहीं देखी सही बात है पाटिल जी, हम लोगों का टेंशन बढ़ रहा है। प्लीज बताइए ना। अभी पता चल जाएगा। और रैन तो आती प्रा, वो इसकी सुई तो अभी पता चल जाएगा पे अटकी हुई है। पता नहीं दिवाली की रात में जय डलाल के घर में क्या पटाखा फूटने वाला है। पांडे जी अरे जेठालाल किया क्या है? ये जेठालाल का कमरा? नहीं ये मेरा कमरा है। तो जेठालाल का कमरा किधर है? अंदर अंदर जेठालाल के। अरे ये अरे बालकनी में क्यों जा रहे हैं? ये तो बालकनी है। कम ऑन मूव, ये तो बालकनी है। हाँ बालकनी है। तो जेठालाल का कमरा किधर है? वो यहाँ यहाँ पे। तो पहले क्यों नहीं बताया? बताऊं उससे पहले तो आप हाँ आप बहुत जल्दी यही जेठालाल का कमरा है? हाँ यही है। जेठालाल आ गया सुंदर। जेठालाल बाहर आओ। जेठालाल मैं शराफत से कह रहा हूं बाहर आ जाओ वरना मुझे अंदर आना पड़ेगा। जेठालाल लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा तोड़ दो। अरे नहीं दरवाजा तोड़ना क्यों है? जाग रहा है? एक कदम भी आगे बढ़ाए तो क्या तो आगे क्या कर लोगे तुम? बोलो जेठालाल तुम आगे क्या करोगे? अरे तो क्या आगे बोलो ना। जेठालाल तुम पुलिस को धमकी दे रहे हो। मेरे पास सरकारी गन है, मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत करो। जेठालाल अगर तुमने तो के आगे नहीं बोला तो मजबूरन मुझे ये हथियार चलाना पड़ेगा। अरे जीते क्या करते हो? उसके पास कोई भी हथियार हो सकता है। मैंने कुछ नहीं किया। वो सॉरी एक्चुअली मैं देख रहा था। देख रहा हूँ तुम्हें देखने क्या जरूरत है? मैं कहा था मैं क्या बोला था? आप बोल रहे थे कि अगर तुमने तो के आगे कुछ नहीं बोला तो गुड मेमोरी। तुम शिक्षक हो ना? हाँ। अभी मैं इसको एक मौका देता हूँ चाचा जी। देखो जेठालाल मैं तीन तक गिनती गिनूंगा, अगर तुम हाथ ऊपर करके बाहर नहीं निकले तो मजबूरन मुझे इस गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जेठिया महाराजा जेठिया। जेठालाल एक दो तीन दोन ये तो सो रहा है। हाँ तो फिर रुक जाओ किसने बोला? वही बोला। हाँ उसे कभी कभी नींद में बोलने की आदत है। सीज़फ़ायर
सब लोग अपना हथियार अंदर रख देंगे। थैंक यू। जेठालाल, जेठालाल, तू बहुत सो रहा है। जेठालाल, रुक जाओ, रुक जा, रुक जा। फिर से रुक जा। नींद में, नींद में। अरे तो जगाओ इसको। ऐसे ही रुक जा बोलता रहेगा और हम रुकते रहेंगे। जेठिया, ए जेठिया उठ। अब बीच में मत बोलिए सासू माँ। आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें लेके जाऊंगा भैया। सासू माँ, तुम कौन होते हैं मुझे लेके जाने वाले? नहीं तो मैं तुझे आया हूँ। पांडे जी, आप कहाँ उसे जवाब दे रहे हो? वो नींद में बोल रहा है। अरे नींद में नहीं बोल रहा है, ये नाटक कर रहा है, नाटक। ए जेठाला, ओ चलो पांडे जी, आप यहाँ अहमदाबाद में पकड़ लो इसे। अहमदाबाद पकड़ लो। ए जेठाला, ओ जेठाला, यस, अरे चलो जी। पांडे जी, बापू जी, भिड़े मेहता साहब, हवलदार साहब, दो आप सब यहाँ, क्या हुआ? फाइनली जाग उठा इंसान। क्या हुआ? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तो मैंने क्या किया है? हाँ अब तो बताइए, जेठे ने क्या किया है? हाँ पूछो अपने बेटे से। जेठे, क्या किया है तूने? मुझे क्या पता बाबूजी, मैं तो यहाँ सो रहा था। हाँ और सोते सोते कोई गुनाह कैसे कर सकता है? हाँ हाँ, सोते सोते तो कोई गुनाह नहीं कर सकता, लेकिन सोने से पहले गुनाह करके सो तो सकता है ना मास्टर जी? चलो पांडे जी, सोने से पहले या सोने के बाद मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अच्छा, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है? नहीं। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है जेठालाल? मोबाइल ये मेरा मोबाइल कहाँ गया? मेरा मोबाइल कहाँ गया? अरे बंद करो ये नोटों की और बताओ मोबाइल कहाँ छुपा के रखा है? अरे चालू पांडे जी, मैं कभी अपना मोबाइल नहीं छुपाता हूँ, रोज सोने से पहले यहीं रख के सोता हूँ। हाँ यहीं पे। जेठालाल, तुम सोने से पहले मोबाइल अपने सिर के पास रख के सोते हो? हाँ जेठालाल, तू मोबाइल सिराने रख के मत सोना, मैंने आज ही आर्टिकल पढ़ा है। मोबाइल ना अपने शरीर से दूर रखना चाहिए। क्या है, मोबाइल से जो रेडिएशन निकलते हैं ना, मतलब किरणें, वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आज से सोते वक्त मोबाइल हमेशा अपने शरीर से दूर रखना। हाँ ओ मास्टर जी, अपने विद्यार्थी को ज्ञान बाद में देना, पुलिस को कार्रवाई करने दो, समझे? जेठालाल, सीधे सीधे बताओ अपना मोबाइल तुमने कहाँ छुपा के रखा है? अरे मैंने आपको बताया ना चालू पांडे जी, मैंने मेरा मोबाइल नहीं छुपाया है। बरप, यस सर। घर का चप्पा चप्पा छान मारो, घर पड़े तो गद्दा, तकिया, सोफा सब फाड़ डालो। यस सर। गद्दा, तकिया, सोफा क्यों फाड़ना है? हो सकता है तुम्हारे बेटे ने अपना मोबाइल वहां छुपा रखा हो।
पांडे जी कुछ फाड़ने की जरूरत नहीं है, बिना कुछ फाड़े भी मोबाइल मिल सकता है। कैसे? ऐसे। ओ। आपको जेठालाल से फोन पे बात करनी है? नहीं तो बंद करो ना। सॉरी सर। मैं कभी मोबाइल छुपाता नहीं, सोते वक्त मोबाइल अपने पास रखता हूँ। तो ये मोबाइल तुम्हारी जेब में कहाँ से आया? पता नहीं, कल रात को यहाँ बाजू में रखना मैं शायद भूल गया। भूल नहीं गए जेठालाल, तुमने जानबूझकर ये मोबाइल अपनी जेब में छुपाया। ओके। इसका पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4। इसमें ट्री कैसे आएगा? ओ पांडे जी, वो ट्री नहीं, 3 3। इसने ट्री बोला ना, मतलब 1 2 3 4। आजकल इतना सिंपल पासवर्ड कौन रखता है? नहीं कोई नहीं रखता, इसलिए मैंने रखा है। शातिर, एक नंबर का शातिर है ये। चलो। कहाँ? कहाँ क्या, पुलिस स्टेशन चलो। अरे क्यों? लेकिन पांडे जी आज तो दिवाली है। दिवाली के दिन हमारा पुलिस स्टेशन खुला रहता है। सस्ता नहीं पांडे जी, लेकिन आप दिवाली के दिन जेठालाल को पुलिस स्टेशन लेके जाओगे? हाँ पांडे जी, दिवाली है दिवाली। तो कहाँ लेके जाऊँ, पटाखे की दुकान में? जेठालाल को पटाखा दिलाऊं, मिठाई की दुकान में ले जाऊं, इसे मिठाई खिलाऊं? ओ बैठे क्या हो, चलो। ओ बैठे क्या हो, चलो। पांडे जी, पांडे जी आप बिना गुनाह बताए जेठालाल को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस स्टेशन चलिए, सब पता चल जाएगा। नहीं, मैं जेठिया को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाने दूंगा। देखो चाचा जी, मेरी दिवाली बिगड़ी है, अब मेरा टाइम मत बिगाड़िए। नहीं तो आप जानते हैं हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, यदि आप यहाँ से नहीं हटेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन मेरा जेठिया ने किया क्या है? मैं कब से पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रहे हो। पांडे जी आपको बताना पड़ेगा कि जेठा ने किया क्या है। हर मुजरिम को उसका गुनाह। ए मुजरिम का है? मतलब जेठा को हक है उसका गुनाह जानने का। हाँ खिड़की समझाएगा। आपको जानना है ना कि आपके बेटे ने क्या गुनाह किया है? आपके बेटे जेठालाल ने एक गंभीर गुनाह किया है। अरे लेकिन ऐसा क्या गंभीर गुनाह किया है मेरे जेठालाल ने, वो तो बताइए। वो मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि इस केस की जांच पड़ताल अभी भी शुरू हुई है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस केस के बारे में कोई भी मीडिया से बात नहीं करेगा। मीडिया? यस मीडिया, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव केस। ऑडिट जेठालाल, चलो चले। एक मिनट, देखिए चालू जी, पांडे जी आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हाँ गलत फहमी हमें नहीं तुम्हें हुई है। तुम्हें क्या लगा इतना रंगीन गुनाह करके तुम बच जाओगे? सर रंगीन नहीं, संगीन। संगीन? हाँ संगीन, संगीन संगीन गुनाह किया है। इस बार तुम नहीं बचोगे जेठालाल, तुमने एक पुलिस वाले से पंगा लिया है। मैंने आपसे क्या पंगा लिया है? अरे पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही एक पुलिस वाला हूँ क्या? तो आपने तो कौन बे?
बे 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 गुजराती बे दो 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 दूसरा कौन? अरे कितनी बार बोला तुम्हें कि पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ हम तुमको डिटेल में बताएंगे कि तुमने क्या गुनाह किया। चलो हाँ, अब कोई हमारा रास्ता नहीं रोकेगा। अब जो भी रास्ता रोकेगा वो जेठालाल के साथ हिरासत में जाएगा, ना उम्र देखी जाएगी ना रिश्ता देखा जाएगा। ए तुम क्या बैठे हो, चलो यार चलो पुलिस स्टेशन। चल चल एक मिनट चालू पांडे जी, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ बोलो। क्या है? मैं थोड़ा खंखोड़िया खा लूं। क्या खाना है? मतलब मैं थोड़ा नहा लूं। तो फिर खाने का क्यों बोला? नहीं मतलब वो हमारे में वो फूल नाना नहीं, हाफ नाना होता ना, खाली मतलब हाथ मुंह धोते हैं उसको खंखोड़िया खाना बोलते हैं। जेठालाल पुलिस स्टेशन चलो, वहां तुम्हें खंखोड़िया खाना खिलाना है। वो खाना कितना टाइम हो गया, क्या चल रहा होगा जेठालाल के घर पे? क्या पता, ये पाटिल भाई हमको ऊपर नहीं जाने दे रहे और वो लोग ऊपर से नीचे नहीं आ रहे। ओ यारो, ओ मैंने तो लगता है ये जेठा भाई का दुकान का कोई पंगा है, ये मैटर इसीलिए पुलिस तक गया। सही बात है, ये हो सकता है। शायद किसी कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हुआ और उसने जेठा भाई के खिलाफ कंप्लेन किया हो। अरे हाँ दैट्स पॉसिबल, हो सकता है कि कोई राइवल शॉप वाला ईगो में आके जेठा जी को तंग करने के लिए उनके खिलाफ केस फाइल किया हो। अरे पांडे जी बता ही नहीं रहे आप, क्या लेके जा रहे हैं आप? कब से कुछ नहीं किया है मेरे बेटे ने। आ गए आ गए, पांडे जी जेठालाल को लेके आ रहे हैं। आराम से आराम से आराम से आ रहे हैं। पूछो पूछो पोपटलाल, पांडे जी से पूछो कि वो जेठा भाई को क्यों लेके जा रहे हैं। वो गुस्सा करेंगे तो पीढ़ी और बेहतर सबको पूछ लेते। अरे तो डायरेक्ट जेठालाल को ही पूछते ना, उसको तो मालूम होगा कि पुलिस उसको पकड़ने के लिए क्यों आया है। चलो है। अरे पांडे जी अरे तू लेके जा रहे मेरे बेटे को? चल। अरे पांडे जी, ये पांडे जी सुनिए ना, पांडे जी कुछ तो बताइए। जेठालाल क्या किया है तुमने जो पांडे जी तुमको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं? पता नहीं अय्यर भाई। क्या? अरे मैं कब से पूछ रहा हूँ लेकिन पांडे जी बता ही नहीं रहे हैं। हट जाइए प्लीज, साइड में हट जाइए। नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे, साइड में हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे, साइड में हम नहीं हटेंगे। आपको ये बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण क्या है आपको ये बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण क्या है आपको ये बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण क्या है? देखिए देखिए शांत हो जाइए और आप लोग सीधी तरह से हट जाइए। कानूनी कार्रवाई में बाधा मत डालिए, हमें आगे जाना है, हमें जाने दीजिए वरना कानूनी कार्रवाई में हस्तक्षेप के जुर्म में मैं सबको गिरफ्तार कर सकता हूँ। करूँ क्या, करूँ गिरफ्तार? आगे कीजिए, अब सबको गिरफ्तार कीजिए। हाँ कीजिए कीजिए, हम सबको गिरफ्तार कीजिए। एकता है ना म्हणून कीजिए। अरे ये क्या कीजिए कीजिए पोपटलाल,
हाँ पोपटलाल शांत हो जाओ। साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। गिरफ्तार होना क्या खाली की? ओह गॉड, अगर हंस गिरफ्तार हो गए तो दिवाली में मैंने इतना सारा जो नाश्ता बनाया वो कौन खाएगा? वो तो है कोमल, पर अगर मुझे दिवाली में इमरजेंसी केसेस आए तो उसे भी तो अटेंड करना होगा। वो कैसे अटेंड करूंगा? हो गया? हाँ, तो चले। देखिए पांडे जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एक पत्रकार हूँ। Are you sure? मतलब? नहीं, अगर पत्रकार हो तो तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कोई कानूनी कार्रवाई में बाधा नहीं डाल सकता। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि आप जेठालाल को किस जुर्म में गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं। तुम कौन हो? अरे बताया ना, पत्रकार हो। नहीं नहीं, तुम जेठालाल के कौन? पप्पा तो ये हैं, तुम कौन हो? बड़े भैया? नहीं, एनी ब्लड रिलेशन? नहीं। ठीक है पांडे जी, आप मुझे मत बताइए, लेकिन जेठालाल का तो अधिकार है ना। आपको उसे बताना ही होगा कि आप उसे किस जुर्म में गिरफ्तार कर ले जा रहे हैं। सही बात है, बताइए बताइए। बताना होगा, बताना होगा, गुनाह क्या है बताना होगा। ओके ठीक है, शांत हो जाइए। तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं जेठालाल को बता दूं कि उसका गुनाह क्या है? अरे ठीक है, लो बता दिया, बता दिया। क्या बोला जेठा? क्या कहा? वही जो ऊपर बोला था। उन्होंने बोला के फिर से बता रहा हूँ, तुमने गंभीर गुनाह किया है, लेकिन गुनाह क्या किया वो नहीं बता रहे। तो तुमको नहीं मालूम तुमने क्या गंभीर गुनाह किया है? नहीं या ये नहीं, मेरा जेठिया कोई गंभीर गुनाह कर ही नहीं सकता। तो सादा वाला कर सकता है। ये सादा मसाला कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा बेटा है, कोई ढोसा नहीं है। सादा मसाला, मेरा जेठिया कोई भी गुनाह कर ही नहीं सकता। हाँ, जेठा भाई कोई गुनाह कर ही नहीं सकते। देखिए पांडे जी, जेठा जी बहुत नेक बिजनेसमैन है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो कोई क्राइम नहीं कर सकते। सही बात है, मुझे तो लगता है जेठा भाई को फंसाया जा रहा है। देखिए पांडे जी, आपको बताना ही होगा जेठालाल ने क्या गुनाह किया। अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे। पोपटलाल को क्या हो गया है, कोई समझाओ उसे। क्यों भाइयों? बिल्कुल बताइए पांडे जी। नहीं बता रहे, नहीं बता रहे। आओ भाइयों बैठ जाते हैं, आओ भाइयों बैठ जाते हैं, आओ भाइयों बैठ जाते हैं, आओ भाइयों बैठ जाते हैं। बस ले, बस ले, सभी बस। हाथी ब्रा, तुसी भूख हड़ताल नहीं करोगे? कर रहा हूँ ना, पर खड़े खड़े। अच्छा सॉरी सॉरी।
गोकुलधाम वासी बता रहा हूं। लेकिन पहले खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाइए। पांडे जी बता रहे भूख हड़ताल खत्म, आ जाइए। वेरी गुड। हाँ पप्पू, तेरा टोटका तो काम कर गया, कमाल कर दिखता है यार। सुनिए, मैं आज पर अब तुकारा मेरे गोकुलधाम सोसाइटी का एक में उसे कर रही। आप सबसे विनती करता हूँ कि कृपया शांति बनाए रखे। पांडे जी बड़ी मुश्किल से बताने जा रहे हैं कि जेठा ने क्या गुनाह किया है। गंभीर गुनाह। No, he is right. अरे लेकिन किया क्या है? बोलिए पांडे जी। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। बात दरअसल ये है कि मत उठाइए प्लीज, पहले बता दीजिए क्या गुनाह है मेरा। मेरी पत्नी का फोन है। पत्नी का फोन है तो तुरंत उठा लीजिए। थैंक यू। हाँ बासुंदी, हाँ बासुंदी, क्या लड्डू ने खाना नहीं खाया? लड्डू ने अभी तक खाना नहीं खाया? खाने में लड्डू नहीं खाया? बासुंदी, लड्डू को बोलना हम साथ में खाना खाएंगे। लड्डू को बोलना, लड्डू के साथ बातें करते हैं लोग? लड्डू हमारा साला है। लड्डू आपका साला है? अरे हमारे साले का नाम लड्डू है, लड्डू। ओ अच्छा, वाह वाह वाह। तो ससुर जी का नाम क्या है? बालूशाही। हाँ। और सास का नाम रबड़ी देवी। हाँ। और हमारी छोटी वाली साली का नाम है जलेबी। अरे वाह। हाँ पांडे जी, आपका ससुराल तो बहुत स्वीट है। हाँ बहुत स्वीट है, बस इसी बात का डर है कि एक दिन कहीं हमें डायबिटीज ना हो जाए। सर, मैडम का फोन चालू है। हाँ बासुंदी। नहीं बासुंदी, तुम्हारा भाई हमारे साथ दिवाली मनाने आया है और हम इसलिए घर नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। दरअसल हम बहुत ही बड़े केस में उलझे हुए हैं, उसे सुलझा कर आते हैं। क्या बात कर रही हो बासुंदी, मैं एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ, मैं कैसे आधी रात को किसी हलवाई की दुकान खुलवा सकता हूँ? वो भी बेचारा अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहा होगा ना। ठीक है बासुंदी, तुम चिंता मत करो, मैं लड्डू के फेवरेट गुलाब जामुन लेकर आ जाऊंगा। पांडे जी आप चिंता मत कीजिए, चौरस्ते हलवाई की दुकान पूरी रात खुली रहती है। डे एंड नाइट हलवाई की दुकान खुली रहती है? हाँ, अभी दिवाली का त्योहार है ना, तो डे नाइट खुली रहती है। अच्छा। गुलाब जामुन के साथ तो बाकी रबड़ी ट्राई कीजिए, बड़ी लाजवाब है। और वहाँ के घेवर तो असली घी में बने होते हैं, मजा आ जाता है खाने में। अरे भाई, अरे वक्त क्या है, टेंशन क्या है, ये तो देखिए। हाँ अब हलवाई की दुकान के सेल्समैन बन गए। सॉरी पोपटलाल। सर मैडम का फोन अभी भी चालू है। सुना ना बासुंदी तुमने, चौरसिया स्वीट शॉप डे एंड नाइट खुली रहती है, वहीं से गुलाब जामुन लेकर मैं घर आ जाऊंगा, फिर लड्डू के साथ खाना भी खाएंगे, साथ में फुटजरी जलाएंगे, अनार फोड़ेंगे। हाँ रंगोली तो मैं अच्छा बनाता ही हूँ, रंगोली भी बनाएंगे ना। बस अपराधी को पुलिस स्टेशन सुरक्षित पहुंचा दूं, फिर सीधे घर आता हूँ। ओके बाय बासुंदी, हैप्पी दिवाली। मेरा साला दिवाली भाई दूज मनाने मुंबई आया है कि मुझे परेशान करने आया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चालू पांडे जी, सभी जीजा लोगों की परेशानी का एक ही कारण है शाला।
अबे साले के बाद थोड़ी आप वो बताइए जो बता रहे थे, मेरा क्या गुना है? प्लीज गुना नहीं, गंभीर गुना। अरे आने तो हुए पाछू है बबीता जी। इट्स राइट, इट्स परफेक्टली राइट। ठीक है, जेठालाल ने गंभीर गुना ये किया है कि अपनी गैंग के साथ गैंग बताऊं कि नहीं, बताऊं कि नहीं आगे गैंग बताइए बताइए गैंग जेठालाल ने अपनी गैंग के साथ मिलकर एक घरेलू सुशील संस्कारी आदरणीय औरत को धमकाया 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 औरत को धमकाया। हाँ मैंने, हाँ मैंने औरत को धमकाया। हाँ तुमने एक औरत को धमकाया है जेठालाल, वो भी पूरा दिन लगातार बार बार धमकाया है। क्या औरत को कौन औरत? मुझे नहीं पता कौन औरत। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लड़की शादीशुदा है कि कुंवारी? पोपटलाल वह क्या है, टेंशन क्या है, क्या सवाल पूछ रहे हो? पोपटलाल ये क्या सवाल पूछ रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी। केतालाल वेरी शेमफुल। वो बोल रहे हैं शर्मनाक बात है। अरे ओ यार भाई, अब क्या जले पे नमक छिड़क रहे हो बबीता जी? अयर चलो पांडे जी, मैंने आज तक किसी लेडीज से ऊंची आवाज में पानी का गिलास तक नहीं मांगा, तो धमकाने की बात तो बहुत दूर की है। हाँ पांडे जी सही कह रहे हैं ये, और गैंग तो गुंडों की होती है, हमारे जेठा भाई तो सीधे साधे व्यापारी है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अच्छा हाँ पांडे जी, आप जेठा भाई पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ बहन जी, जिस औरत को जेठालाल ने धमकाया है उस औरत ने आरोप लगाया है जेठालाल पर। चलो पांडे जी, मैंने किसी औरत को नहीं धमकाया है, ये पूरा का पूरा आरोप उपजाया हुआ है, मतलब काल्पनिक है। पांडे जी देखिए, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन हुआ है, जेठा जी ऐसे किसी औरत को धमका नहीं सकते। पांडे जी देखिए, आपको नक्की ना कोई गलत फहमी हुई है। हाँ पांडे जी, वो कोई और जेठा भरा होगा। पांडे जी वो कौन औरत है जिसने जेठालाल पे ऐसे झूठा आरोप लगाया है? कौन है? कौन है? जब जब अब कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। मैं जानता था मेरी बात सुनकर आप लोग सवालों की लड़ियां लगा दोगे, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था, मैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं ना। अरे फिर भी आपको बताना तो पड़ेगा ही कि कौन है वो औरत जिसने मेरे जेठे पे झूठा आरोप लगाया है। ओ चाचा जी, आप किसी कोर्ट के जज नहीं हो कि आपके हर सवालों का मैं जवाब दूं। जो भी कार्रवाई होगी पुलिस स्टेशन में होगी। पुलिस स्टेशन? पाटिल जेठालाल को गाड़ी में बिठाओ, अब कोई भी बीच में आया ना उसको भी गाड़ी में डालो, सीधा पुलिस स्टेशन लेके चलो। सर पांडे जी एक मिनट बात तो सुनिए, आज दिवाली है और कल इनकी पत्नी दया भाभी मायके से वापस आ रही है। प्लीज 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 पांडे जी। तो क्या करूं बहन जी, कल इनकी पत्नी आ जाए, एक दूसरे को ये लोग मिठाई खिला ले, हैप्पी दिवाली बोल ले, फुलझड़ी जला ले, अनार फोड़ ले, उसके बाद इन्हें लेने आऊं। हाँ चलेगा चलेगा। क्या चलेगा, मैं कह रहा दी लेने आया हूँ,
आज नहीं है, कल आकर ले जाना। को लेके चल चल। अरे क्या, रुक जाओ रुक जाओ, चलिए वो पुलिस पकड़ के ले गई, उसे छुड़ाने जाने दे। हम भी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, लेकिन दौड़ के जाने की क्या जरूरत है, ऑटो में चलते हैं ना। आप ऑटो में क्यों, मेरी गड्डी है ना, हम सारे मेरी गड्डी में चलते, मैं अभी गड्डी की चाबी लेके आता हूँ, थोड़ी जल्दी लेकर आना, जल्दी ला। तारक हम लेडीज भी चलेंगे आप लोगों के साथ। हाँ हाँ नहीं अंजलि, आप लोग यहीं पर रहो, हम पुरुष मंडली है ना, हम जेठालाल को लेकर ही आएंगे। अच्छा हुआ टप्पू सेना यहाँ पे नहीं है, अगर वो होती तो और हंगामा होता। टप्पू यहाँ होता तो जेठालाल को गिरफ्तार होते देखकर बहुत शौक लगता उसे। आ गया आ गया, लो यारो चाबी आ गई, चलो चलो चलो। सॉरी भाई, जेठा भाई को लेके ही आना, कल दया भाभी आ रही है। ओ माधवी बहनी तुझे फिक्र ना करो, ओ मैं कसम खाता हूँ जब तक जेठा ब्रा को छुड़ा नहीं लेते हम गोकुलधाम सोसाइटी वापस नहीं आएंगे। क्या बोल रहे हो सोड़ी? अरे सोड़ी, अगर जेठालाल को आज नहीं छोड़ा, कल भी नहीं छोड़ा, एक हफ्ते तक नहीं छोड़ा, मैं तो कहता हूँ एक साल तक नहीं छोड़ा, तो क्या तब तक हम लोग उधर ही रहेंगे, गोकुलधाम सोसाइटी में वापस नहीं आएंगे? ओ यार भाई, ये सोड़ी तो जोश में बोल रहा है, आप तो होश में है ना, क्या बोल रहे हैं आप? अरे चलो, इतनी देर में तो मैं दौड़ के पुलिस स्टेशन पहुंच गया होता। जीप तो चाबी वाले हाथ से लौटता है। हे भगवान, आज दिवाली की रात है और ये सब क्या हो रहा है? हम लोग दया भाभी के आने की खुशी में जी रहे थे, ये तो सब उल्टा ही हो गया। अब जेठा भाई को लॉकअप से छुड़ाए कैसे, उसका टेंशन हो रहा है। परमेश्वरा, पता नहीं क्या होने वाला है।